सफलता का सपना लिए हर दिन एक नया चेहरा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना भाग्य आजमाने आता है। कुछ को कामयाबी मिलती है तो वहीं कुछ अधूरे सपने लिए भटकते रहते हैं, तो कुछ वापस लौट जाते हैं। लेकिन इन सब में कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जो दर्शकों के दिलों और दिमाग पर अपनी एक अलग छाप छोड़ देते हैं। इन्हीं में से एक है इफ्तिखार। इनके चाहने वालों के जहन में आज भी उनकी छवि पुलिस की वर्दी में जिंदा होगी। दरअसल उन्होंने अपने पूरे फिल्मी करियर में पुलिस इंस्पेक्टर और कमिश्नर का रोल सबसे अधिक निभाया। पुलिस कमिश्नर की भूमिका संख्या में कुछ ज्यादा है। उनके फैंस जब भी उन्हें याद करते हैं पुलिस वर्दी पहने पतली दुबली काठी वाले इफ्तिखार की तस्वीर उनके दिमाग में तरोताजा हो जाती है। लेकिन आज ये कहाँ और किस हाल में है, आइए जानते हैं। इफ्तिखार का पूरा नाम सैयदना इफ्तिखार अहमद शरीफ था। उनका जन्म 22 फरवरी 1922 में ब्रिटिश भारत के पंजाब के जलंधर में हुआ था। वे अपने चार भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उनका जन्म तो जलंधर में हुआ था लेकिन बचपन उत्तर प्रदेश के कानपुर में गुजरा। वो पेंटिंग और गायकी के बड़े शौकीन थे, इसलिए उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के बाद लखनऊ आर्ट कॉलेज से पेंटिंग में डिप्लोमा किया था। इफ्तिखार को गाने का बड़ा शौक था। वे कुंदनलाल सहगल से बड़ा प्रभावित थे। जब वो 20 साल के हुए तो म्यूजिक कंपोजर कमल दास गुप्ता के एक ऑडिशन के लिए कोलकाता चले गए थे। कमल दास उनसे प्रभावित हो गए और उन्हें MP प्रोडक्शन में अभिनय का मौका दे डाला। इफ्तिखार ने 1944 में फिल्म तकरार से अपना डेब्यू किया था। ये फिल्म आर्ट फिल्म कोलकाता के बैनर तले बनी थी। बता दें कि बंटवारे के समय उनके ज्यादातर रिश्तेदार और दोस्त, यहाँ तक कि माता पिता भी पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन उन्होंने भारत को चुना। हालांकि उन्हें पत्नी और बच्चियों को लेकर कोलकाता छोड़ने के लिए दबाव बनाया गया, तब वे इनके साथ बॉम्बे चले गए थे। यहाँ पहुंचकर उन्होंने जीत और संघर्ष किया। कोलकाता में रहते हुए इफ्तिखार अशोक कुमार को जान गए थे। बॉम्बे आकर उन्होंने बॉम्बे टॉकीज मूवी के तहत बनी मुकद्दर में किरदार पाने के लिए उनसे संपर्क साधा। इफ्तिखार ने अपने 1940 से लेकर 1990 तक के फिल्मी करियर में 400 से अधिक फिल्मों में काम किया। 1960 से 1970 वाले सालों में उन्हें खूब सफलता मिली। उन्होंने बंदगी, सावन भादो, खेल खेल में और एजेंट विनोद जैसी फिल्मों में काम किया। यश चोपड़ा की अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म दीवार में उनके काम को काफी तारीफ मिली थी। इसके अलावा अमिताभ बच्चन स्टारर की प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर में भी उनके रोल को याद रखा गया। इसमें भी उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर का रोल निभाया था। इन सब में एक फिल्म ऐसी आई जो उनके चाहने वालों और याद रखने वालों के लिए मील का पत्थर साबित हुई। ये मूवी थी अमिताभ बच्चन की डॉन। इसमें उन्होंने डॉन को पकड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। इसी तरह गैम्बलर में भी उन्होंने बेहतरीन किया। इफ्तिखार ने जोरू का गुलाम, महबूब की मेहंदी, द ट्रेन, खामोशी, सफर, राजा रानी, इत्तेफाक, राजपूत और आवाम जैसी बेहतरीन फिल्मों में अभिनय किया। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने अमेरिकन टीवी सीरीज माया में काम किया। 1970 में बॉम्बे टॉकीज और 1992 में सिटी ऑफ जॉय में भी काम किया। 73 साल की उम्र में 1 मार्च 1995 में मुंबई में उनका निधन हो गया। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।